Hello everyone, welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kyathal. Today is 31st January 2023. Let's begin today's MCQ session for upcoming nursing jobs exam. First question is, temporary hardness of water can be removed by? इनमें से किस मेथड के द्वारा पानी की टेम्परेरी हार्डनेस को हम ठीक कर सकते हैं? स्टरलाइजेशन के द्वारा, बॉइलिंग के द्वारा, मिक्सिंग सोडियम क्लोराइड इन वाटर के द्वारा, या फिर ब्लीचिंग के द्वारा? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, बॉइलिंग। टेम्परेरी हार्डनेस को बॉइलिंग के द्वारा रिमूव किया जा सकता है। आइए क्विकली रिवाइज कर लेते हैं टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर और परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर के बारे में। टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की प्रेजेंस के कारण होती है, जबकि परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फेट की प्रेजेंस के कारण होती है। टेम्परेरी हार्डनेस को आप बॉइलिंग से ठीक कर सकते हैं, उबाल कर पानी को उसे हटा सकते हैं, जबकि परमानेंट हार्डनेस को दूर करने के लिए वॉशिंग सोडा या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें आपके रिवीजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोर्साकॉफ साइकोसिस इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ? किसकी कमी से कोर्साकॉफ साइकोसिस जैसी कंडीशन हो सकती है? विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B3, विटामिन B12। The right answer is option B, विटामिन B1। विटामिन B1 को हम थायमिन के नाम से भी जानते हैं और इसकी कमी से वर्निक सेंसिफेलोपैथी और कोर्साकॉफ साइकोसिस जैसी कंडीशंस हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीडोट ऑफ MgSO4 प्रेगनेंसी के दौरान प्री एक्लेम्प्टिक मदर को एक्लेम्शिया में कन्वर्ट होने से रोकने के लिए मैग्नीशियम सल्फेट दिया जाता है। अगर इसकी टॉक्सिसिटी हो जाए तो एंटीडोट के रूप में किसे इस्तेमाल किया जाता है? नेलोक्सोन, प्रोटामिन सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम ग्लूकोनेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस एग्जाम में कई बार इसे पूछा गया है। यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, कैल्शियम ग्लूकोनेट। मैग्नीशियम सल्फेट का एंटीडोट होता है कैल्शियम ग्लूकोनेट। रिमेनिंग ऑप्शंस की यदि बात की जाए तो अगर किसी क्लाइंट को ओपियोइड सब्सटेंस से टॉक्सिसिटी हो जाए तो एंटीडोट के रूप में नेलोक्सोन दिया जाता है। इसे आप नार्केन के नाम से भी जानते हैं। हिपेरिन ड्रग की टॉक्सिसिटी होने पर एंटीडोट के रूप में प्रोटामिन सल्फेट दिया जाता है, और अगर क्लाइंट की बॉडी में पोटेशियम की कमी है तो इसके लेवल को बढ़ाने के लिए पोटेशियम क्लोराइड दिया जाता है, KCL इंजेक्शन दिया जाता है। और याद रखिएगा, नर्सिंग ऑफिसर बनने के बाद कभी भी आप पोटेशियम क्लोराइड को बिना डिसॉल्व किए डायरेक्ट नहीं लगाएंगे, यानी पोटेशियम क्लोराइड को आपको हमेशा डिसॉल्व करना है और बहुत ही स्लो IV पुश करना है। हो सके तो इसके लिए आप इन्फ्यूजन पंप का इस्तेमाल करें। अगर आपने इसमें लापरवाही की, पोटेशियम को सीधा ही आपने पर्सन में देने की कोशिश की, तो पोटेशियम के कारण तुरंत क्लाइंट का हार्ट काम करना बंद कर जाएगा और कुछ ही सेकंड में क्लाइंट की डेथ हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज? प्रेगनेंसी के दौरान सर्विक्स का सॉफ्ट हो जाना कौन सा साइन कहलाता है? ओसिएंडर, गुडेल, चैडविक, चॉस्टेक। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, गुडेल साइन। प्रेगनेंसी के दौरान सर्विक्स का हमारे लिप्स की तरह सॉफ्ट हो जाना गुडेल साइन है। Next question. Middle arm circumference of a malnourished child is. अगर किसी बच्चे में माल न्यूट्रिशन है तो उसका मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस कितना होगा? 11 सेंटीमीटर से कम, 12.5 सेंटीमीटर से कम, 12.5 से ज़्यादा या 13.5 तक? The right answer is option B, less than 12.5 centimeters. देखिएगा, जब भी किसी बच्चे को आप मालनरिस्ट है या नहीं इस चीज़ के लिए आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो उसमें मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस चेक किया जाता है, यानी बच्चे का जो ऊपर हाथ है उस कंधे के पास इस हाथ की परिधि को मापेंगे। अगर ये 12.5 से ज़्यादा है तो इसका मतलब बच्चा हेल्दी है, और इससे कम है तो ये माल न्यूट्रिशन को बताती है। मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस को मापने के लिए हम जिस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं उसे आप शाकिर टेप के नाम से जानते हैं, शाकिर टेप, और इसकी मदद से 1 साल से लेकर 5 साल तक के बच्चों का मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस आप चेक कर सकते हैं। अगर शाकिर टेप में 12.5 से ज़्यादा रीडिंग आती है तो इसका मतलब है कि बच्चा हेल्दी है। अगर 12.5 से 11.5 के बीच आती है तो इसका मतलब है माइल्ड मॉडरेट वेस्टिंग है, यानी बच्चा हल्का फुल्का मालनरिस्ट है। और अगर 11 से कम आती है तो बच्चा बहुत ज़्यादा माल न्यूट्रिशन में है, और इसे आप सीवियर वेस्टिंग के नाम से जानते हैं। नॉर्मल कंडीशन को आप ग्रीन कलर से डिनोट करेंगे चाकी टेप में, और माइल्ड टू मॉडरेट वेस्टिंग येलो कलर से डिनोट की जाती है, और सीवियर वेस्टिंग 11.5 से कम जो होती है वो रेड कलर से डिनोट की जाती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जन्म के समय बच्चे का मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस नॉर्मली कितना होता है तो आप बताएंगे 11 से 12 सेंटीमीटर। 1 साल की उम्र पर यह 12 से 16 सेंटीमीटर हो जाता है, जबकि 1 से 5 साल की उम्र के बीच में ये नॉर्मली 16 से 17 सेंटीमीटर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? रूबेला इज नॉट बैक्टीरियल डिजीज, फाइलेरियासिस इज अ पैरासाइटिक डिजीज, Malaria is transmitted by Aedes aegypti mosquito. Typhoid is spread through contaminated food and water. The right answer is option C. Malaria एक प्लाज्मोडियम से होने वाली डिजीज कंडीशन है और ये फीमेल एनाफ्लीज मॉस्क्यूटो द्वारा ट्रांसमिट होती है। एडीज इजिप्टी नामक मॉस्क्यूटो डेंगू डिजीज को ट्रांसमिट करता है। रूबेला एक वायरल डिजीज है जिसे आप जर्मन मीजल्स के नाम से भी जानते हैं। फाइलेरियासिस एक पैरासाइटिक डिजीज है और ये वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी नामक फाइलेरिया पैरासाइट द्वारा होता है। टाइफॉइड कंटेमिनेटेड फूड और वाटर द्वारा स्प्रेड होता है। साल्मोनेला टाइफी इसका पॉजिटिव एजेंट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे WBC टाइप दैट हैव हॉर्सशू और किडनी शेप न्यूक्लियस। आपको उस WBC सेल के टाइप के बारे में बताना है जिसका न्यूक्लियस हॉर्सशू शेप या किडनी शेप होता है। घोड़े के पैरों की जो नाल होती है कुछ उस प्रकार के स्ट्रक्चर वाली न्यूक्लियस वाली WBC सेल का नाम बताना है आपको। यस, इट इज मोनोसाइट। मोनोसाइट बेसिकली एक रेन्युनोसाइट टाइप की WBC है और ये टोटल WBC काउंट का 2 से 8% होता है। इसका साइज सभी WBC टाइप की सेल्स में सबसे ज़्यादा होता है 16 से 20 माइक्रो, और इसी वजह से हम इसे लार्जेस्ट टाइप ऑफ ब्लड सेल के नाम से जानते हैं। इसके काउंट की बात की जाए तो 300 से 600 सेल्स पर क्यूबिक एमएम इसका नॉर्मल काउंट माना जाता है। मोनोसाइट बेसिकली फेगोसाइटिक सेल्स होती हैं, यानी ये किसी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करके उसे एनगल्प करके उसे डिस्ट्रॉय कर देती हैं। ये हमारे बॉडी के अंदर सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के रूप में काम करती हैं। मोनोसाइट फंगल इन्फेक्शन के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव मानी जाती है। हमारे लीवर के अंदर पाए जाने वाली कूफर सेल्स इसी मोनोसाइट का ही एग्जाम्पल है, जो कि लीवर को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। अगर किसी क्लाइंट को सिफेलिस या फिर कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन हो जाए, टीबी आदि हो जाए, तो वहाँ पर मोनोसाइट काउंट बढ़ा हुआ देखने को मिलता है, जबकि बोन मैरो डिप्रेशन के कारण इसकी संख्या कम हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारी बॉडी में एडिमा अगर मौजूद है, वहाँ पर आप अगर प्रेस करते हैं तो एक पिट बन जाता है, गड्ढा बन जाता है। उसके बिहाव पर यह डिसाइड किया जाता है कि पर्सन की बॉडी में किस ग्रेड की एडिमा है। अगर किसी क्लाइंट के अंदर एडिमा नहीं मौजूद है तो ग्रेड 0 कहेंगे आप इसे। ग्रेड 1 उस समय दिया जाएगा जब ट्रेस 2 mm का हो और तुरंत डिसअपियर हो जाए। ग्रेड 2+ का मतलब है ट्रेस 4 mm का बने और ये 10 से 15 सेकेंड ले गायब होने में। ग्रेड 3+ का मतलब है ट्रेस 6 mm का बने और 1 मिनट तक का समय ले ले डिसअपियर होने में। और ग्रेड 4+ तब कहा जाएगा जब ट्रेस 8 mm या इससे ज़्यादा का हो और ये 2 से 5 मिनट ले डिसअपियर होने में। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये चीज़ें प्रीवियसली पूछी गई हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, वाइडेस्ट मसल इन ह्यूमन बॉडी। शरीर का सबसे चौड़ा मसल, वाइडेस्ट मसल कौन सा है? Yes, it is latissimus dorsi. Latissimus dorsi is a widest muscle of human body. Next question, which is the predisposing condition for the occurrence of rheumatic fever in children? इनमें से किस कंडीशन के होने के बाद बच्चों में रूमेटिक फीवर हो सकता है? फेरेंजाइटिस, ओटाइटिस मीडिया, राइनाइटिस, कॉन्ड्राइटिस। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, फेरेंजाइटिस। अगर किसी बच्चे को स्ट्रेप थ्रोट या फिर स्कारलेट फीवर जैसी कंडीशन हो जाए, यानी गले का इन्फेक्शन हो जाए, फेरेंजाइटिस हो जाए और उसे अगर प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया जाता तो ये कंडीशन रूमेटॉइड फीवर में, रूमेटिक फीवर में कन्वर्ट हो सकती है। एक बार फिर से समझिएगा, अगर किसी बच्चे को स्ट्रेप्टोकोकस नामक बैक्टीरिया से गले का इन्फेक्शन हुआ और इसकी वजह से उसकी फेरिंग्स में सूजन आई, यानी फेरेंजाइटिस कंडीशन हुआ, तो ये कंडीशन स्ट्रेप थ्रोट या स्कारलेट फीवर कहलाती है। और अगर आपने बच्चे के अंदर इस बैक्टीरियल इन्फेक्शन को प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया तो ये इन्फेक्शन यहाँ से आगे बढ़ सकता है, हार्ट, ब्लड वेसल्स, जॉइंट्स तक को प्रभावित कर सकता है और हार्ट, ब्लड वेसल, जॉइंट के अंदर इन्फ्लामेशन आना, पेन होना, ये सभी कंडीशंस ही रूमेटिक फीवर कहलाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे विंडो पीरियड क्या होता है। व्हाट इज विंडो पीरियड फॉर अ डिजीज? इट इज फ्रॉम कम्युनिटी सब्जेक्ट। यस, एग्जैक्टली। जब किसी पर्सन में कोई डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजन एंटर हो जाए, वहाँ से लेकर डिजीज के लैब में डायग्नोस होने तक का जो समय है वो विंडो पीरियड कहलाता है। मान लीजिए एक पैथोजन किसी पेशेंट के अंदर एंट्री लिया और उसके द्वारा एज अ एंटीजन बॉडी में एंट्री ली गई और बॉडी के द्वारा इसे डिस्ट्रॉय करने के लिए एंटीबॉडीज का निर्माण किया गया और इन एंटीबॉडीज को हमने लैब टेस्ट द्वारा डायग्नोसिस करके ये डिक्लेयर किया कि इस पर्सन को ये डिजीज कंडीशन है, तो पर्सन के शरीर में एंट्री से लेकर इसके आइडेंटिफिकेशन तक का जो समय है उसे हम विंडो पीरियड का नाम देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर वेसिकोवेजाइनल फिस्टुला रिपेयर इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन इज। किसी वुमेन के अंदर वेसिकोवेजाइनल फिस्टुला के रिपेयर के बाद सबसे जरूरी इंटरवेंशन कौन सी है? अवॉइड यूरिन कलेक्शन इन ब्लैडर, एडिक्वेट रेस्ट, एंटीबायोटिक्स, अर्ली एम्बुलेशन। The right answer is option A, avoid urine collection into the bladder. सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि exactly वेसिकोवेजाइनल फिस्टुला होता क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं फिस्टुला शब्द का मतलब क्या होता है। फिस्टुला का मतलब है इन्हीं दो नॉर्मल बॉडी कैविटीज के बीच में बनी एक एबनॉर्मल कनेक्शन, यानी कि मान लीजिए ये कोई दो बॉडी कैविटीज़ हैं, इनके बीच में यदि कोई एक एबनॉर्मल कनेक्शन बन जाए जो कि यहाँ नहीं होना चाहिए था, तो ये कनेक्शन फिस्टुला कहलाएगा। दो चीज़ों के बीच में बना एबनॉर्मल कनेक्शन फिस्टुला कहलाता है। अब वेसिको और वेजाइनल के बीच में यदि कोई एबनॉर्मल ओपनिंग या कनेक्शन बन जाए तो ये वेसिको वेजाइनल फिस्टुला है। मान लीजिए वुमेन का ये यूरिनरी ब्लैडर है और ये वुमेन का यूट्रस है और ये वेजाइना है। अब अगर मान लीजिए किसी वजह से वुमेन के ब्लैडर और वेजाइना के बीच में कोई ओपनिंग बन जाए, कोई कनेक्शन बन जाए, जिसकी वजह से जो ब्लैडर से यूरिन है वो वेजाइना के थ्रू बाहर ड्रिबलिंग करे यानी बाहर आने लगे, तो ये कंडीशन वेसिकोवेजाइनल फिस्टुला कहलाती है। और जब इस प्रकार की कंडीशन को सर्जरी द्वारा करेक्ट किया जाता है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस प्रकार से दोनों को सेपरेट कर दिया जाता है। ये ब्लैडर की वॉल अलग कर दी गई और ये वेजाइनल वॉल अलग कर दी गई। अब इन दोनों के बीच में कनेक्शन को बंद कर दिया गया। अब इस सर्जरी के तुरंत बाद यदि आपने ध्यान नहीं दिया और क्लाइंट के ब्लैडर में यूरिन इकट्ठा होने लगा, तो यूरिन जब ब्लैडर के अंदर बहुत ज़्यादा भर जाएगा तो इसकी वजह से वापस यहाँ पर दबाव पड़ेगा और इस दबाव के कारण यहाँ पर जो पैच लगाया गया है, इस ओपनिंग को जो क्लोज की गई है, वो प्रेशर के कारण हट जाएगी और वापस से ये रास्ता बन जाएगा और वापस से जो यूरिन है वो ब्लैडर से वेजाइना के थ्रू बाहर आने लगेगा। तो ये कंडीशन ना हो जाए, इसलिए हम पेशेंट से कहते हैं कि वेसिकोवेजाइनल फिस्टुला के रिपेयर के बाद पेशेंट के ब्लैडर में यूरिन कलेक्ट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज यूरिन कलेक्ट हुआ तो प्रेशर के कारण जो हमने रिपेयर किया है वो खराब हो जाएगा और क्लाइंट पहले वाली स्थिति में पहुंच जाएगा। होपफुली दिस इज क्लियर नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल एनेस्थीसिया, Which of the following sensation disappear at last? किसी भी क्लाइंट को यदि जनरल एनेस्थीसिया दिया जाए तो उसमें सबसे आखिरी में कौन सा सेंसेशन डिसअपियर होता है? कॉन्शियसनेस, प्यूपिल रिस्पॉन्स, हियरिंग, पेन रिस्पॉन्स। यस, इट इज हियरिंग। जनरल एनेस्थीसिया देने के बाद पर्सन आखिरी तक सुन सकता है और सबसे आखिरी में जाकर उसे हियरिंग बंद होती है यानी डिसअपियर होती है। Next question is, maternal serum alpha fetoprotein is elevated in all the following except. इन चारों ऑप्शंस में से किस कंडीशन के अंदर MSAFP का लेवल नहीं बढ़ता है, ये आपको बताना है। मल्टीपल प्रेगनेंसीज के अंदर, ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कंडीशन के अंदर, RH आइसो इम्यूनाइजेशन कंडीशन के अंदर, या फिर डाउन सिंड्रोम जैसी कंडीशन में। The right answer is option D, डाउन सिंड्रोम में। आइए मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन के बारे में कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लें। सबसे पहली बात, इसका जो सिक्रीशन है वो यॉक सैक और फीटल लीवर के अंदर से होता है। मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन का सिक्रीशन यॉक सैक और फीटल लीवर से होता है। प्रेगनेंसी के दौरान कौन कौन सी कंडीशंस के होने पर इसका लेवल बढ़ा हुआ मिलता है, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हैं। ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, इंट्रायूट्राइन डेथ, मल्टीपल प्रेगनेंसीज, रीनल एनोमलीज, RH आइसो इम्यूनाइजेशन। मोस्टली इन सभी कंडीशंस के अंदर MSAFP का लेवल बढ़ा हुआ मिलता है। और अगर लो लेवल की बात की जाए तो दो इम्पॉर्टेंट कंडीशंस होती हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। डाउन सिंड्रोम, जिसे आप ट्राइसोमिक डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं, और दूसरी होती है गैस्टेशनल ट्रोपोब्लास्टिक डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पॉलीसाइथीमिया टर्म का क्या मीनिंग होता है, ये आपको बताना है। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर किसी क्लाइंट के अंदर RBC की संख्या बढ़ जाए तो ये कंडीशन पॉलीसाइथीमिया कहलाती है। इंक्रीज RBC काउंट इन ब्लड इज नोन एज पॉलीसाइथीमिया। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि RBC यानी इरिथ्रोसाइट्स को बनने में कितना समय लगता है, यानी इरिथ्रोपोइसिस प्रोसेस में कितने दिनों का समय लगता है, तो आप बताएंगे 7 डेज का, जिसमें RBC के डेवलपमेंट में 5 दिन लगते हैं और मैच्योर होने में 2 दिन का समय लगता है। और RBC के मैच्योरेशन के लिए विटामिन B12, फॉलिक एसिड और आयरन जैसे सब्सटेंस की आवश्यकता होती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हीमोलाइसिस शब्द का क्या मीनिंग होता है, तो आप बताएंगे RBC का डिस्ट्रक्शन, RBC का टूटना। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है कि पॉलीसाइथीमिया कंडीशन किन किन सिचुएशंस में हो सकती है, तो याद रखिएगा जो लोग पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं जहां पर हाइट के कारण ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, वहां पर RBC की संख्या बढ़ जाती है। यदि आप पहाड़ी इलाकों में जाकर रहेंगे, जो ऊंचाई वाले इलाके हैं जहां ऑक्सीजन की मात्रा कम है, तो आपके शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा RBC का निर्माण होगा ताकि आप में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन अच्छी तरह से हो सके। इसके अलावा जो पर्सन रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं या फिर एक्सेसिव ईटिंग करते हैं, इन सभी के अंदर भी ये चीज़ देखने को मिल सकती है। कुछ डिजीज़ कंडीशंस जैसे कि COPD हो गया, एम्फाइसीमा हो गया, इनके अंदर भी पॉलीसाइथीमिया कंडीशन देखने को मिलती है। अगर RBC का नंबर कम हो जाए तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी? यस, एग्जैक्टली, RBC की संख्या यदि कम हो जाए तो इसे आप एनीमिया के नाम से जानते हैं। डिक्रीज RBC काउंट इज नोन एज एनीमिया, और इससे पर्सन के अंदर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी कम हो जाती है। ये सभी पॉइंट्स प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट आपको बताना है एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन का रेशो कितना होता है। यस, इट इज 2:1। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन की। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन एक स्क्रीनिंग टेस्ट है जो कि सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर इंक्लूड किया जाता है। सेकेंड ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन हर वुमेन को मेंस्ट्रुअल साइकिल के 6 से 10वें दिन के बीच परफॉर्म करना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे WBC के टाइप्स के बारे में। WBC को हम 2 प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स और ए ग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट जो है 3 टाइप की होती है, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला WBC टाइप कौन सा है, तो याद रखेंगे न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली WBC टाइप है जो कि टोटल WBC का 50 से 60% तक होती है। फिर हम बात करते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट्स की, जिसमें 2 टाइप होते हैं, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट टोटल WBC का 20 से 25% होती है, जबकि मोनोसाइट 4 से 8% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज BCG if not administered earlier can be given up to। अगर किसी बच्चे को जन्म के समय BCG नहीं लगा हो तो ये वैक्सीन कितनी उम्र तक लगाया जा सकता है, 6 months तक, 12 months तक, 18 months तक या फिर 24 months तक। The right answer is option B, 12 months. BCG वैक्सीन बच्चे को TB डिजीज से प्रोटेक्ट करता है। बेसिलस कालमेटी गुवेरिन इसकी फुल फॉर्म है, और अगर इस वैक्सीन को बच्चे में जन्म के तुरंत बाद नहीं लगाया गया हो तो इसे 1 साल तक लगाया जा सकता है। उसके बाद इस वैक्सीन को जनरली नहीं लगाया जाता, क्योंकि 12 महीने के बाद लगाए गए BCG वैक्सीन से मिलने वाली जो प्रोटेक्शन है वो कम अच्छी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट थिंग यू शुड डू इफ यू आर बिटन बाय अ डॉग। अगर आपको डॉग बाइट हो जाती है तो उस समय सबसे पहले आप क्या करेंगे, अप्लाई टर्मरिक। आप जहां पर डॉग ने बाइट किया है उस जगह पर हल्दी लगाएंगे। गो टू द डॉक्टर, डॉक्टर के पास जाएंगे, या फिर वॉश द वुंड विथ माइल्ड सोप एंड रनिंग वाटर और 5 मिनट और अंटिल द सोप विल फिनिश्ड, देन गो टू द हॉस्पिटल। आप 5 मिनट तक साबुन और पानी के साथ इस घाव को लगातार क्लीन करते रहेंगे। ऑप्शन 4, गेट एन एंटी रेबीज वैक्सीन। आप एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएंगे। यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। जब भी किसी क्लाइंट को डॉग बाइट होती है तो उसे सबसे पहले जिस जगह पर डॉग ने बाइट किया है उस एरिया को सोप और रनिंग वाटर से 5 से 10 मिनट तक क्लीन करना है, या फिर जब तक सेटिस्फैक्शन ना हो कम से कम तो उसे क्लीन करते रहें। ऐसा करने से अगर क्लाइंट की लार्वा या उसमें मौजूद वायरस अगर कुछ होगा तो उसके वहां से क्लीन हो जाने के चांसेस रहते हैं। तो जब भी डॉग बाइट हो तो सबसे पहले आपको उस एरिया को रनिंग वाटर और सोप के द्वारा क्लीन करना है और उसके बाद आपको हॉस्पिटल जाना है। याद रखिएगा, डॉग बाइट के बाद पुराने समय में ऐसा माना जाता था कि लोग बाग उस पर चिली पाउडर यानी लाल मिर्च का पाउडर या हल्दी यानी टर्मरिक आदि लगा लेते थे, जो कि एक गलत प्रैक्टिस है। ऐसा आपको नहीं करना है। आपको इस एरिया को क्लीन करना है और फिर उसके बाद हॉस्पिटल जाना है, जहां पर आपको पूरा प्रिकॉशन वाइज एंटी रेबीज वैक्सीन लगाए जाएंगे और भी ट्रीटमेंट्स दिए जाएंगे। नेक्स्ट, इमीडिएट और मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर इज। लेबर की थर्ड स्टेज में सबसे ज़्यादा होने वाला कॉम्प्लिकेशन कौन सा है, ब्लीडिंग, शॉक, सब इन्वोल्यूशन या फिर परफोरेशन। लेबर की सेकंड स्टेज में बच्चा डिलीवर होता है और थर्ड स्टेज के अंदर प्लेसेंटा, और इस दौरान सबसे ज्यादा होने वाला कॉम्प्लिकेशन है ऑप्शन ए ब्लीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्लड टेस्ट टू बी मॉनिटर्ड इन पेशेंट रिसीविंग ओरल एंटीकोगुलेंट इज। अगर किसी क्लाइंट को आप ओरल एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस दे रहे हैं तो उसमें कौन सा ब्लड टेस्ट करवाया जाता है? प्रोथ्रोम्बिन टाइम, एपीटीटी, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी काउंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्पेशली अगर आप एम्स नॉर्सेट जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ओरल एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस की बात की जाए तो इसे आप वॉरफेरिन या काउमेडिन के नाम से भी जानते हैं, और जिन क्लाइंट्स में ये ड्रग चल रही होती है उनमें प्रोथ्रोम्बिन टाइम नाम का टेस्ट करवाया जाता है जो इस ड्रग के इफेक्टिवनेस के बारे में बताता है। वॉरफेरिन ड्रग अगर ओवरडोज हो जाए तो इसके लिए एंटीडोट के रूप में विटामिन के का इस्तेमाल किया जाता है। तो सिंपली कहें तो वॉरफेरिन का एंटीडोट है विटामिन के। इससे जुड़ा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर किसी क्लाइंट को आप सबक्यूटेनियस रूट से एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस देना चाहते हैं तो वो हिपेरिन है, और हिपेरिन जिन पेशेंट्स में दिया जा रहा होता है उनमें इस ड्रग की लेवल को असेस करने के लिए, इसकी इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए जो टेस्ट करवाया जाता है वो है एपीटीटी टेस्ट। एपीटीटी टेस्ट का फुल फॉर्म होता है एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। एक बार फिर से देखिएगा, जिन पेशेंट्स को हिपेरिन ड्रग दी जा रही होती है उनमें एपीटीटी टेस्ट करवाया जाता है, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम टेस्ट करवाया जाता है। और अगर किसी क्लाइंट में हिपेरिन ड्रग की टॉक्सिसिटी हो जाए तो एंटीडोट के रूप में प्रोटामिन सल्फेट ड्रग दी जाती है, और इस क्वेश्चन को प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द मोस्ट कॉमन फीचर ऑफ अ चाइल्ड विथ हीमोफीलिया। अगर किसी बच्चे को हीमोफीलिया डिजीज हो तो उसमें इनमें से सबसे ज्यादा देखा जाने वाला फीचर कौन सा होगा? पैटैकी, हेमार्थ्रोसिस, ब्रूजिंग, क्लबिंग। देखिएगा, हीमोफीलिया का मतलब है क्लॉटिंग फैक्टर्स की डेफिशिएंसी, और क्लॉटिंग फैक्टर्स के ना होने के कारण थोड़ी बहुत भी चोट लगने पर सीवियर ब्लीडिंग होती है, क्योंकि ब्लीडिंग को रोकने के लिए क्लॉट फॉर्मेशन नहीं हो पाता। और इस सिचुएशन के अंदर जब भी पेशेंट को थोड़ा बहुत भी ट्रॉमा हो तो उसके अंदर एबनॉर्मल ब्लीडिंग्स देखने को मिलती है। एग्जाम्पल की बात की जाए तो एपिस्टैक्सिस यानी नोज ब्लीडिंग, टेंडेंसी टू ब्लूइज यानी थोड़ी हल्का सा भी दबाव पड़ने पर ब्लीडिंग होना, जॉइंट ब्लीडिंग, ये सभी इम्पॉर्टेंट है। इन तीनों में से अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा कौन सी चीज होती है तो आप कहेंगे ब्रूइजिंग। ब्रूइजिंग का मतलब है हल्की भी दबाव पड़ने पर इंटरनल ब्लड वेसल से ब्लीड हो जाना, ब्रूइजिंग है, और ये मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है जैसे कि इस क्वेश्चन में पूछा गया था। यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है हीमार्थ्रोसिस। हीमार्थ्रोसिस, इसका मतलब होता है joint bleeding, हेमार्थ्रोसिस का मतलब है जॉइंट के अंदर ब्लीडिंग होना। नेक्स्ट हम क्विकली रिवाइज करेंगे इंपॉर्टेंट नर्स पेशेंट रेशियो, यानी कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर कितने पेशेंट्स के होने पर एक नर्स का होना आवश्यक माना जाता है। सबसे और इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला आईसीयू, यहाँ पर हर पेशेंट की केयर के लिए एक नर्स होनी चाहिए, यानी एक पेशेंट पर एक नर्स यानी 1:1 रेशो। जनरल वार्ड की बात की जाए तो हर 6 पेशेंट्स के ऊपर एक नर्स होनी चाहिए, यानी कि 6 पेशेंट्स की देखभाल करने के लिए एक नर्स 1:6। और आउट पेशेंट डिपार्टमेंट की बात की जाए, ओपीडीज की बात की जाए तो 100 पेशेंट्स के ऊपर एक नर्स होनी चाहिए 1:100। नेक्स्ट क्वेश्चन इज erythropoietin is produced by, erythropoietin का प्रोडक्शन कहाँ पर होता है? यस, इट इज इन किडनी एंड लीवर। erythropoietin सब्सटेंस का प्रोडक्शन किडनी और लीवर 2 ऑर्गन्स के अंदर होता है। अगर और स्पेसिफिकली आपसे पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हैं किडनी की इंटरस्टिशियल फाइब्रोब्लास्ट सेल और लीवर की पेरीसाइनोसॉइडल सेल्स इरिथ्रोपोइटिन का सिक्रीशन करती हैं। इरिथ्रोपोइटिन को आप हीमोपोइटिन के नाम से भी जानते हैं, और इरिथ्रोपोइटिन बोन मैरो को आरबीसी के प्रोडक्शन के लिए स्टिम्युलेट करता है, यानी आरबीसी के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए इरिथ्रोपोइटिन का सिक्रीशन होता है। और याद रखिएगा, जिन लोगों के अंदर हाइपोक्सिया या एनीमिया जैसी कंडीशन होती है, जिनमें ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा करवाने की आवश्यकता है, तो वहाँ पर इस इरिथ्रोपोइटिन का सिक्रीशन बढ़ जाता है और क्लाइंट में आरबीसी का नंबर भी बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपको बताना है पैनसाइटोपिनिया टर्म का क्या मीनिंग होता है। पैनसाइटोपिनिया, यस एग्जैक्टली, पैनसाइटोपिनिया शब्द का मतलब होता है हमारे शरीर की सभी प्रकार की ब्लड सेल्स की संख्या में कमी होना। अगर हमारी रेड बोन मैरो के अंदर फैटी टिश्यू का डिपोजिशन बढ़ जाए, जिसके कारण वहाँ पर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का प्रोडक्शन नहीं हो पाए, तो ये कंडीशन पैनसाइटोपिनिया कहलाती है। अगर सिर्फ आरबीसी का प्रोडक्शन कम होता है तो इससे होने वाली कंडीशन एनीमिया कहलाती, और डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन कम होता है, इससे आप ल्यूकोपीनिया कहते, और प्लेटलेट्स की संख्या कम होती तो ये कंडीशन थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीजल शुड नॉट बी यूज्ड इफ हैज बीन मोर देन आवर्स आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन। मीजल्स वैक्सीन को आपने रिकॉन्स्टिट्यूट कर लिया, यानी कि डिसॉल्व कर लिया, और कोई पेशेंट नहीं आया, तो आप कितने घंटे तक इसे इस्तेमाल करेंगे और उससे ज़्यादा समय होने पर इसे डिस्कार्ड कर देंगे। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा। यस, ऑप्शन 4 इज करेक्ट हियर। मीजल्स वैक्सीन डिस्टिल वाटर के अंदर डिसॉल्व किया जाता है, यानी रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, और अगर आप इसे 4 घंटे तक इस्तेमाल नहीं कर पाए तो फिर आप इसे फेंक देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे, इसे उपयोग में नहीं लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्लाइंट विथ MRSA वॉज जस्ट एडमिटेड टू ICU आफ्टर इलियोस्टोमी सर्जरी। द नर्स हैज टू प्रोवाइड केयर टू द पेशेंट, सो इन दैट केस विच PPE शुड द नर्स यूज। आपके ICU ड्यूटी के दौरान इलियोस्टोमी सर्जरी के बाद मेथिसिलिन रेसिस्टेंट स्ट्रेफाइलोकोकस ऑरियस से सफरिंग पेशेंट आपके पास आता है जिसकी आपको केयर करनी है। इस MRSA पॉजिटिव पेशेंट की केयर के दौरान कौन सा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आप इस्तेमाल करेंगे? ग्लव्स एंड गाउन, ग्लव्स ओनली, ग्लव्स एंड मास्क, ग्लव्स गाउन एंड शू कवर। The right answer is option A, gloves and gown. यहाँ पर गौर कीजिएगा, मेथिसिलिन रेसिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस नामक बैक्टीरिया कॉन्टैक्ट से फैलता है, यानी टच से फैलता है, और इसके स्प्रेड को रोकने के लिए हम ग्लव्स और गाउन पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का इस्तेमाल करेंगे। Next question, Mr. X is undergoing chest physiotherapy after CABG. Which of the following level of prevention is illustrates? किसी पर्सन में कोरोनरी आर्टरी डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट प्रोसीजर करवाया गया, यानी CABG सर्जरी करवाई गई। इस पेशेंट को इस प्रोसीजर के बाद में चेस्ट फिजियोथेरेपी देना किस लेवल का प्रिवेंशन है, ये आपको बताना है। प्रीमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। इंपॉर्टेंट फॉर अपकमिंग CHO एग्जाम। यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, टर्सरी प्रिवेंशन। टर्सरी प्रिवेंशन के अंदर उन पेशेंट्स को केयर दी जाती है जो कि डिजीज से सफर हैं और उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। टर्सरी प्रिवेंशन के अंदर हमारा फोकस रहता है कि पर्सन की जितनी भी बची हुई लाइफ है उसे बेहतर बनाया जा सके, यानी कि डिसेबिलिटी लिमिटेशन और रिहेबिलिटेशन इस प्रिवेंशन लेवल का मेन गोल रहता है। यहाँ पर चेस्ट फिजियोथेरेपी देकर हम क्लाइंट की लाइफ को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, उसे कॉम्प्लिकेशन से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, डिसेबिलिटी को लिमिट कर रहे हैं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग हैज द साइड इफेक्ट ऑफ पेरिफेरल न्यूराइटिस? इनमें से कौन सी एंटी टीबी ड्रग के कारण पेरिफेरल न्यूराइटिस जैसी कंडीशन हो सकती है? रिफेम्पिन, इथाम्ब्यूटॉल, आइसोनियाजिड, पायरेजिनेमाइड। The right answer is option C, आइसोनियाजिड। गौर करिएगा, टीबी डिजीज के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल की जाने वाली आइसोनियाजिड ड्रग पेरिफेरल न्यूराइटिस कॉज कर सकती है। ये हिपेटोटॉक्सिक होती है, न्यूरोटॉक्सिक होती है। तीन चीज़ें यहाँ याद रखिएगा, पेरिफेरल न्यूराइटिस कर सकती है, ये हिपेटोटॉक्सिसिटी कर सकती है और न्यूरोटॉक्सिसिटी कर सकती है। ऑप्शन ए में बताई गई रिफेम्पिसिन ड्रग जो है ये यूरिन और बॉडी सिक्रीशंस का कलर बदल सकती है, जबकि ऑप्शन बी में बताई गई ड्रग एकमात्र बैक्टीरियोस्टैटिक मेडिसिन है और ये हमारे आइज को डैमेज कर सकती है, विजन को प्रभावित कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया वाज डिक्लेयर्ड स्मॉल पॉक्स फ्री इन। भारत को स्मॉल पॉक्स फ्री किस वर्ष डिक्लेयर किया गया था? जुलाई 1987 में, अप्रैल 1977 में, मई 8 1980 को, या फिर मई 1982 को। The right answer is option B। यहाँ पर गौर कीजिएगा, इंडिया को स्मॉल पॉक्स फ्री कब डिक्लेयर किया गया था? तो याद रखिएगा, अप्रैल 1977 को स्मॉल पॉक्स फ्री इंडिया को डिक्लेयर किया गया था। वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाता कि पूरी दुनिया से ये डिजीज कब इरेडिकेटेड डिक्लेयर किया गया, तो आप बताते 8 मई 1980 को। और पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही ऐसा डिजीज है स्मॉल पॉक्स जिसे आपने इरेडिकेटेड डिक्लेयर किया है। इरेडिकेटेड डिजीज का मतलब है ना तो इस डिजीज का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म इस पूरी दुनिया में मौजूद है और ना ही इस डिजीज का कोई पेशेंट मौजूद है। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं कोविड-19 के बचाव हेतु इस्तेमाल की जाने वाली वैक्सीन्स की कोवैक्सीन और कोविशील्ड वैक्सीन के बारे में। ये पूरा जो कॉन्सेप्ट रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए दिया गया है। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि कोविड के लिए यूज किया जाने वाला कोवैक्सीन किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो आप बताएंगे भारत बायोटेक के द्वारा। कोवैक्सीन किस प्रकार का वैक्सीन है? किल्ड वैक्सीन, यानी इसे इसके अंदर जो कोरोना वायरस होता है उसे किल्ड करके एडमिनिस्टर किया जाता है, या इसे आप हीट इनोक्यूलेटेड कह सकते हैं, यानी कि कोरोना वायरस को जब बार बार हीट से गुजारा जाता है, आग के ऊपर रखकर निकाला जाता है, तो ये वायरस किल हो जाता है और इसे किल्ड फॉर्म में ही बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करते हैं, जिसके कारण हमें डिजीज तो नहीं होता, लेकिन इसे आइडेंटिफाई करके हमारी सेल्स इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना लेती हैं और हमें कोविड से प्रोटेक्शन मिल जाती है। कोवैक्सीन की डोज की यदि बात की जाए तो 0.5 ml इसकी डोज होती है। इंट्रामस्कुलर रूट से ये लगाया जाता है और अपर आर्म में यानी डेल्टॉइड मसल्स में इसे एडमिनिस्टर करते हैं। कोवैक्सीन का स्टोरेज यदि आपसे पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे 2 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंड वैक्सीन जो कि कोविड के समय इस्तेमाल की गई, कोविशील्ड वैक्सीन। कोविशील्ड वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट पुणे द्वारा तैयार की गई थी। ये लाइव वैक्सीन है और इसमें जो ऑर्गेनिज्म लिया गया था वो चिंपैंजी से लिया गया था और ये एडिनोवायरस था। चिंपैंजी एडिनोवायरस से तैयार की गई वैक्सीन है कोविशील्ड वैक्सीन, और ये लाइव वैक्सीन का एग्जाम्पल है और इसे सीरम इंस्टीट्यूट पुणे ने तैयार किया था। डोज की बात की जाए तो सेम है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों की डोज सेम है, 0.5 ml, रूट सेम है इंट्रामस्कुलर और एक ही जगह पर लगाया जाता है डेल्टॉइड मसल पर। कोविशील्ड वैक्सीन का अगर स्टोरेज टाइम आपसे पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे 2 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटलेट इज ऑल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, विटामिन हेल्पफुल इन ब्लड क्लॉटिंग। उस विटामिन का नाम बताएं जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। यस, एग्जैक्टली, इट इज विटामिन के, और न्यूबॉर्न बेबीज में इसे इंट्रामस्कुलर रूट द्वारा एडमिनिस्टर किया जाता है, क्योंकि बच्चों में विटामिन के की कमी के कारण ब्लीडिंग होने का रिस्क रहता है। 3 साल से उम्र में छोटे सभी बच्चों को वेस्टस लेटरैलिस मसल्स के अंदर जो कि थाइस में मौजूद होती हैं वहाँ पर ही IM इंजेक्शन लगाया जाता है, क्योंकि इस समय ये सबसे डेवलप मसल मानी जाती है। नेक्स्ट, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ब्लड वेसल। हमारे ब्लड वेसल में जो सबसे बाहर की लेयर होती है उसे क्या कहा जाता है? यस, इट इज ट्यूनिका एडवेंटिशिया, और बीच वाली लेयर को हम ट्यूनिका मीडिया कहते हैं, और सबसे अंदर वाली ब्लड वेसल की लेयर ट्यूनिका इंटिमा नाम से जानी जाती है। तो याद रखिएगा, ट्यूनिका इंटिमा इनर साइड, ट्यूनिका मीडिया मिडल साइड, और ट्यूनिका एडवेंटिशिया सबसे बाहर वाली। नेक्स्ट, आउट मोमेंट ऑफ गैसियस पार्टिकल्स फ्रॉम देयर हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर। जो गैसियस पार्टिकल्स हैं उनका अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन एरिया से लो कॉन्सेंट्रेशन एरिया की तरफ मूव करना क्या कहलाता है? यस इट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। जब भी कहीं पर गैसेस की हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट की बात होगी तो हमेशा डिफ्यूजन वर्ड यूज किया जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन में भी है, मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, तो आप इसे क्या कहेंगे? अगर पानी अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन एरिया से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को पार करता हुआ लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करता है तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? यस इट इज ऑस्मोसिस। हमेशा याद रखें, वाटर के लिए ऑस्मोसिस वर्ड यूज होगा और अदर पार्टिकल्स के लिए, अदर स्टेट सब्सटेंस के लिए डिफ्यूजन वर्ड यूज किया जाएगा। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8 को आप और किस नाम से जानते हैं? यस इट इज कॉल्ड एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए। और इसी एंटी हीमोफिलिक फैक्टर 8 की कमी के कारण होने वाले डिजीज को हम हीमोफीलिया ए डिजीज के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आपको बताना है, हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के असेसमेंट हेतु यूज की जाने वाली इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी टेस्ट के फाउंडर कौन थे? इन्होंने ईसीजी प्रोसीजर दिया था। यस इट इज गिवन बाय विल्हेम एंथोवेन। ईसीजी विल्हेम एंथोवेन ने दी थी। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रिकमेंडेड वॉल्यूम एडमिनिस्ट्रेशन एज पर साइट, यानी हमारे शरीर में किस जगह पर इंजेक्शन द्वारा आप कितना अमाउंट ऑफ मेडिसिन एडमिनिस्टर कर सकते हैं। अगर किसी क्लाइंट में आप इंट्राडर्मल रूट से इंजेक्शन लगा रहे हैं तो वहां पर 0.1 ml आप एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इंट्राडर्मल इंजेक्शन लगाते समय 15 डिग्री के एंगल से इंसर्शन किया जाता है। सबक्यूटेनियस रूट से जब आप मेडिसिन लगाते हैं तो वहां पर 0.5 से 1 ml तक डोज एडमिनिस्टर की जा सकती है और इसके लिए आपको निडल 45 डिग्री के एंगल से इंसर्ट करना होता है। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाते समय याद रखिएगा, डीप मसल्स के अंदर जब IM लगाया जाता है तो आप 3 ml तक ड्रग वहां डिलीवर कर सकते हैं, इंजेक्ट कर सकते हैं। और IM लगाते समय हमेशा एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, अगर आप इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन डेल्टॉइड मसल के अंदर लगा रहे हैं, यानी पर्सन के अपर आर्म में कंधे के पास लगा रहे हैं, तो इसमें मैक्सिमम 1 ml डोज दी जा सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंट्रावीनस रूट की। आईवी रूट से आप किसी पर्सन में 1 से 60 ml तक ड्रग एडमिनिस्टर कर सकते हैं और यहाँ पर एंगल 30 डिग्री का रहता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आयरन के डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में। आपको बताना है कि आयरन हमारी बॉडी में किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। यस इट इज ट्रांसफेरिन। आयरन ट्रांसफेरिन की फॉर्म में बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है। आयरन किस फॉर्म में स्टोरेज होता है, या यूं कहें कि आयरन की स्टोरेज फॉर्म क्या कहलाती है, तो यस इट इज फेरिटिन। आयरन की स्टोरेज फॉर्म है फेरिटिन। आयरन किस जगह पर स्टोर होता है? यस इट इज इन लीवर। आयरन लीवर के अंदर स्टोर्ड रहता है। आयरन का एब्जॉर्प्शन किस जगह पर होता है? यस इट इज इन ड्यूडेनम। आयरन का एब्जॉर्प्शन ड्यूडेनम के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IMR इज इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट किसे कहा जाता है? द इन्फेंट डेथ्स पर 1000 लाइव बर्थ्स, द इन्फेंट डेथ पर 1000 डिलीवरी, the infant death per 1 lakh birth, number of infant death in 1000 population every year. Important question. Yes, the right answer is ऑप्शन ए। एक साल में जन्मे 1000 बच्चों पर कितने एक साल से कम उम्र के बच्चों की डेथ हुई, ये IMR कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एंजाइम हेल्प्स इन फैट डाइजेशन? फैट को डाइजेस्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम काम आता है? एमाइलेज, लाइपेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर, लाइपेज एंजाइम। हमारा जो पैंक्रियाज है उसके द्वारा इस लाइपेज एंजाइम का सिक्रीशन किया जाता है। पैंक्रियाज हमारे शरीर की एकमात्र ऐसी ग्लैंड है जो कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ही तरह के फंक्शंस परफॉर्म करती है। एंडोक्राइन फंक्शंस की बात की जाए तो इस ग्लैंड का सिर्फ 1% हिस्सा इस तरह से काम करता है जो कि पैंक्रियाज के टेल पोर्शन में मौजूद होता है। पैंक्रियाज एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर वाली ग्लैंड है जिसके टेल पोर्शन के अंदर अल्फा, बीटा, डेल्टा सेल्स मौजूद होती हैं जो कि डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स का सिक्रीशन करके एंडोक्राइन फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। अल्फा सेल्स के द्वारा ग्लूकेगॉन हार्मोन रिलीज किया जाता है, बीटा सेल के द्वारा इंसुलिन और डेल्टा सेल के द्वारा सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का सिक्रीशन किया जाता है। फ्रेंड्स, अपकमिंग एग्जाम्स के लिए समय कम है तो यहाँ पर हमारा फोकस रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कम टाइम में कवर किया जाए, इसलिए हर चीज़ को यहाँ पर लिखना पॉसिबल नहीं है। आप अगर ध्यान से इस वीडियो को सुनेंगे, स्पीड को अपने हिसाब से एडजस्ट करके, तो आपको लिखने की आवश्यकता नहीं होगी, आपको ये चीज़ें याद रह जाएंगी। अब बात करते हैं पैंक्रियाज के रिमेनिंग 99% वाले पार्ट की जो कि एक्सोक्राइन फंक्शन को परफॉर्म करता है, और ये एक्सोक्राइन पार्ट डाइजेशन से रिलेटेड एंजाइम्स का सिक्रीशन करवाता है। यहाँ पर दो मुख्य एंजाइम्स का सिक्रीशन होता है। पहला है लाइपेज एंजाइम जो कि फैट या ट्राइग्लिसराइड्स को डाइजेस्ट करता है, और दूसरा है एमाइलेज जो कि पॉलीसेकेराइड को डाइसेकेराइड और मोनोसेकेराइड के अंदर तोड़ता है, यानी सिंपली कहें तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करवाता है। Next question, the life span of sperm is, sperm का life span कितने दिनों का होता है? 12 से 24 घंटे, 48 से 72 घंटे, 0 से 12 घंटे, या 24 से 48 घंटे। Correct answer is option B। स्पर्म के बारे में यदि आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे 48 से 72 घंटे या 2 से 3 दिन, और अगर ओवम के बारे में आपसे पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हैं 12 से 24 घंटे, यानी 1 दिन इसका लाइफ स्पैन होता है, जीवन काल होता है। और इस लाइफ स्पैन के दौरान ओवम स्पर्म के कांटेक्ट में यदि आ जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो कंसीव किया जा सकता है। और याद रखिएगा, नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल से 14 डेज पहले ओव्यूलेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सर्जरी इज यूज्ड इन सर्जिकल मेनोपॉज? अगर किसी वुमेन में सर्जरी द्वारा मेनोपॉज क्रिएट करवाना है तो उसके लिए कौन सी सर्जरी की जाती है? मेनोपॉज का मतलब होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल को स्टॉप करवाना परमानेंटली। ऑप्शंस आर बाइलेटरल ओवरेक्टोमी, ऑप्शन बी यूनिलैटरल ओवरेक्टोमी, सी बाइलेटरल ट्यूबेक्टोमी, डी ट्रैकिलेक्टोमी। मेंस्ट्रुअल साइकिल का शुरू होना मेनार्की कहलाता है जो कि लगभग 15 साल की उम्र पर देखा जाता है, और मेनोपॉज यानी परमानेंटली मेंस्ट्रुअल साइकिल का सीजेशन लगभग 45 साल की एज में देखने को मिलता है। तो इस दौरान जो वुमेन होती है उसे रिप्रोडक्टिव एज की वुमेन कहा जाता है, 15 से 45 के बीच। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। अगर किसी वुमेन में आपको सर्जरिकली मेनोपॉज जैसी स्टेट क्रिएट करवानी है तो उसके लिए आप बाइलेटरल ऊफ्रेक्टॉमी प्रोसीजर का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर गौर कीजिएगा, ऊफ्रेक्टॉमी दो बार दिया गया है। ऊफ्रेक्टॉमी का मतलब होता है सर्जरी द्वारा ओवरी को रिमूव करना, लेकिन अगर आप एक तरफ की ओवरी को रिमूव करते हैं तो ये यूनिलैटरल ऊफ्रेक्टॉमी है, तो इस सिचुएशन में मेनोपॉज नहीं हो पाएगा। आपने अगर दोनों ही ओवरीज को निकाल दिया यानी बाइलेटरल ऊफ्रेक्टॉमी कर दिया तो फिर परमानेंटली वुमेन में मेनोपॉज वाली सिचुएशन आ जाएगी। बाइलेटरल ट्यूबेक्टॉमी का मतलब होता है फैलोपियन ट्यूब्स को रिमूव करना दोनों तरफ की। और एक टर्म और एग्जाम में पूछी जा सकती है, साल्पिंगो ऊफ्रेक्टॉमी। साल्पिंगो शब्द जो है फैलोपियन ट्यूब के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ऊफ्रेक्टॉमी जो है ओवरीज का रिमूवल है, यानी सर्जरी के द्वारा किसी वुमेन में फैलोपियन ट्यूब और ओवरीज को यदि निकाल दिया जाए तो ये प्रोसीजर साल्पिंगो ऊफ्रेक्टॉमी कहलाता है। एक प्रोसीजर होता है हिस्ट्रेक्टॉमी, जिसके अंदर हम यूट्रस को सर्जरी द्वारा रिमूव करते हैं। जनरली ये सभी प्रोसीजर्स कैंसर आदि के स्प्रेड को प्रिवेंट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एबिलिटी ऑफ द ड्रग टू कॉज फीटल एबनॉर्मेलिटी व्हेन एडमिनिस्टर्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज नोन एज। प्रेगनेंसी पीरियड में किसी प्रेग्नेंट वुमेन को दी गई ड्रग जिसकी वजह से फीटस में कोई एबनॉर्मेलिटी हो जाए, ये कौन सा इफेक्ट कहलाता है? थेराप्यूटिक इफेक्ट, हाइड्रोजेनिक इफेक्ट, नोजोकॉमियल इफेक्ट या फिर टिरेटोजेनिक इफेक्ट। The right answer is option D, teratogenic effect. प्रेगनेंसी के दौरान किसी भी मेडिसिन को देने से यदि बच्चे में किसी प्रकार की एबनॉर्मेलिटी हो जाए तो ये कंडीशन टिरेटोजेनिक इफेक्ट या टिरेटोजेनिसिटी कहलाती है। इसी वजह से कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान हमें पूरी सावधानी से मेडिसिन लेनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी मेडिसिन ना ली जाए। नोजोकोमियल इफेक्ट को आप नोजोकोमियल इन्फेक्शन कह सकते हैं, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कह सकते हैं, जो कि हॉस्पिटल में 48 घंटे के स्टे के बाद होता है। हाइड्रोजेनिक इन्फेक्शन किसी भी प्रोसीजर को करने के बाद इक्विपमेंट से हुआ इन्फेक्शन है। और थेराप्यूटिक इफेक्ट वो इफेक्ट होता है जो कि किसी मेडिसिन को लेने के बाद देखा जाता है, यानी आपको मान लीजिए बॉडी एक्ट हो रहा है तो आपने पेन को कम करने वाली पेन किलर ली, तो ये इसका थेराप्यूटिक इफेक्ट है। नेक्स्ट आपको बताना है जर्म थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज किसके द्वारा दी गई थी? नो ऑप्शंस फॉर दिस क्वेश्चन। यस, एग्जैक्टली, द राइट आंसर इज लुइस पाश्चर। लुइस पाश्चर के द्वारा जर्म थ्योरी दी गई थी और इसी जर्म थ्योरी को फर्स्ट साइंटिफिक थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम किसके द्वारा दिया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यस, एग्जैक्टली, कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 में एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम दिया था और उनकी इस खोज के लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया था। याद रखिएगा, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग बाय कार्ल लैंडस्टीनर इन 1901 गॉट नोबेल प्राइज फॉर दिस डिस्कवरी। नेक्स्ट हम बात करेंगे सोडियम के बारे में। सोडियम हमारे शरीर में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट है। इसे मेजर एक्स्ट्रा सेल्यूलर कैशन के रूप में जाना जाता है। सोडियम का रेगुलेशन एल्डोस्टेरॉन करता है। सोडियम का नॉर्मल अमाउंट 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है, MEq/L होता है। सोडियम का इम्पोर्टेंट फंक्शन है नर्व इम्पल्सेस का ट्रांसमिशन करवाना। नेक्स्ट, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ स्टमक कैंसर इज। स्टमक कैंसर सबसे ज्यादा किस हिस्से में होता है? यस, इट इज एन एंट्रम। स्टमक के एंट्रम पार्ट में सबसे ज्यादा स्टमक कैंसर होता है। नेक्स्ट आपको बताना है WHO के द्वारा डिफरेंट टाइप की एनीमिया कंडीशन में HB लेवल कितना कितना होता है, या यूं कहें कि HB लेवल के हिसाब से WHO ने माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर 3 कैटेगरी में एनीमिया को डिवाइड किया है। तो अब आप इनका नंबर बताइएगा कि माइल्ड एनीमिया होने पर HB लेवल कितने से कितने के बीच होता है अकॉर्डिंग टू WHO। प्रीवियस एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है। यस, इट इज 10 to 10.9 ग्राम पर DL। अगर किसी व्यक्ति के अंदर हीमोग्लोबिन का लेवल 10 से 10.9 ग्राम पर DL के बीच हो तो इसे माइल्ड एनीमिया कहा जाता है। हीमोग्लोबिन का लेवल 11 से कम होना मतलब एनीमिया। मॉडरेट लेवल के अंदर याद रखिएगा जो HB लेवल होता है वो 7 से 9.9 ग्राम पर DL के बीच होता है, जबकि सीवियरली एनीमिक पेशेंट के अंदर हीमोग्लोबिन का लेवल 7 ग्राम पर DL से कम माना जाता है। एनीमिया होता क्या है? एनीमिया एक ऐसा ब्लड डिसऑर्डर है जिसके अंदर ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी घट जाती है, या फिर ब्लड के अंदर RBC, हीमोग्लोबिन और पैक्ड सेल वॉल्यूम घट जाता है। किसी भी तरह से आप इसे डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरेंटल पोलियो वैक्सीन इज ऑल्सो नोन एज। आपको उस पोलियो वैक्सीन का नाम बताना है जो कि पेरेंटल रूट से एडमिनिस्टर किया जाता है। पेरेंटल रूट का मतलब है एंट्रल रूट के अलावा। यहाँ पर 2 वर्ड्स हैं, पार प्लस एंट्रल। एंट्रल का मतलब होता है इंटेस्टाइन यानी ओरल रूट। ओरल रूट के अलावा किसी रूट से यदि कोई ड्रग एडमिनिस्टर की जाती है तो इस रूट को आप पेरेंटल रूट के नाम से जानते हैं। आपके ऑप्शंस हैं सेबीन, साल्क, पेंटावेलेंट या फिर इजी। इनमें से कौन सा वैक्सीन ओरल या GI ट्रैक्ट के थ्रू एडमिनिस्टर नहीं किया जाता? यस, इट इज साल्क वैक्सीन। साल्क वैक्सीन को सबसे पहले साल्क नामक पर्सन ने डिस्कवर किया था और आप इसके बारे में लिख सकते हैं ये एक किल्ड वैक्सीन का एग्जाम्पल है। इसके ऑपोजिट लाइव वैक्सीन का, लाइव पोलियो वैक्सीन का उदाहरण है सेबीन वैक्सीन, और इसे ओरल रूट से एडमिनिस्टर किया जाता है यानी एंट्रल रूट से एडमिनिस्टर किया जाता है। यहाँ आगे लिख सकते हैं एंट्रल रूट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अनदर नेम ऑफ सीरम हेपेटाइटिस इज। सीरम हेपेटाइटिस को आप और किस नाम से भी जानते हैं? हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C या फिर हेपेटाइटिस E। The right answer is option B, हेपेटाइटिस B। हेपेटाइटिस B को आप सीरम हेपेटाइटिस के नाम से भी जानते हैं। अगर हेपेटाइटिस A के बारे में आपसे पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे इट इज ऑल्सो नोन एज इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस, और अगर हेपेटाइटिस C के बारे में आपसे पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे इट इज पोस्ट ट्रांसफ्यूशनल हेपेटाइटिस, यानी अगर किसी क्लाइंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज करने के बाद हेपेटाइटिस होता है तो ये पोस्ट ट्रांसफ्यूशनल हेपेटाइटिस है और इस तरह के हेपेटाइटिस को हेपेटाइटिस सी नाम दिया जाता है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, कॉमन चीज है, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड एट टर्म इज, टर्म प्रेगनेंसी पर एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम कितना होता है? 100 to 200, 300 to 500, 600 to 800, 50 to 100. रिसेंट एग्जाम में इस चीज को काफी पूछा गया है। यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। टर्म प्रेगनेंसी पर एमनियोटिक फ्लूइड की कुल मात्रा 600 से 800 ml होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which position is given to a patient after mastectomy? किसी क्लाइंट को मैस्टेक्टोमी प्रोसीजर के बाद कौन सी पोजीशन दी जाती है? साइडलाइन ऑफ अफेक्टेड साइड, एलिवेटेड अफेक्टेड हैंड विथ अ पिलो, लेफ्ट लेटरल पोजीशन, प्रॉन पोजीशन। The right answer is option B, elevate affected hand with pillow. सबसे पहले हम बात करेंगे मैस्टेक्टोमी होता क्या है। मैस्टेक्टोमी एक सर्जिकल प्रोसीजर है जो कि ब्रेस्ट कैंसर होने पर इस्तेमाल किया जाता है। जिस वुमेन को ब्रेस्ट कैंसर है उसमें सर्जरी द्वारा एक या दोनों ब्रेस्ट को कुछ हिस्सा या पूरा ही रिमूव करना मैस्टेक्टोमी कहलाता है और इस सर्जरी के बाद पेशेंट के अफेक्टेड बॉडी साइड को, अफेक्टेड हैंड को हम पिलो का सपोर्ट देकर ऊपर रखते हैं ताकि उसमें ग्रेविटी के कारण सही सर्कुलेशन होता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसाइटिस अकर्स ड्यू टू, इनमें से किस कंडीशन की वजह से एसाइटिस हो सकता है? हाइपर एल्ब्यूमिनीमिया, हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया, हाइपोकैलीमिया, हाइपरकैलीमिया। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। हमारे शरीर में यदि एल्ब्यूमिन नामक प्लाज्मा प्रोटीन की कमी हो जाए तो ये कंडीशन हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया कहलाती है और एल्ब्यूमिन की कमी के कारण बॉडी में ऑन्कोटिक प्रेशर डिस्टर्ब हो जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स का फ्लूइड ब्लड वेसल्स से निकलकर एक्स्ट्रा टिश्यू स्पेसेस में शिफ्ट होने लगता है और ये फ्लूइड फिर जाकर पेरिटोनियल कैविटी में एक्यूमुलेट हो जाता है। यही कंडीशन एसाइटिस कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मेडिकल स्टूडेंट could not deliver a seminar fearing his seniors despite knowing that they are supportive. He further has difficulty speaking in front of others and also avoids going to parties. This most likely diagnosis of, एक medical student है जो कि किसी भी प्रकार के सेमिनार में पार्ट नहीं ले पाता, सेमिनार को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता। वो सेमिनार लेने से इसलिए भी डरता है कि उसे अपने सीनियर्स के सामने जाना होगा, बोलना पड़ेगा, जबकि उसके सीनियर्स बहुत सपोर्टिव हैं। ये स्टूडेंट दूसरों से बात करने में भी हिचकिचाता है और पार्टीज में भी नहीं जाता। इन सभी सिचुएशन के हिसाब से डायग्नोज कीजिए कि इस पर्सन में कौन सी डिजीज कंडीशन है। क्या उसे अगोराफोबिया है, क्लॉस्ट्रोफोबिया है, एक्रोफोबिया है या सोशल फोबिया है? यहां पर सही आंसर होगा ऑप्शन 4, सोशल फोबिया। इस क्लाइंट को सोशल फोबिया है और इस वजह से जहां पर लोगों की गैदरिंग होती है ये वहां पर नहीं जा पाता। अगर कोई व्यक्ति सेमिनार नहीं दे पा रहा है सीनियर्स के कारण और लोगों को फेस करने में, बात करने में डिफिकल्टी फेस करता है, तो ये सोशल फोबिया का एग्जाम्पल है। यहाँ पर बताई हुई टर्म्स, रिमेनिंग टर्म्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एगोराफोबिया का मतलब होता है कि ऐसा कोई स्थान जहाँ पर खूब सारे लोग हों वहाँ पर जाने से डरना। फोबिया शब्द का मतलब है इर्रेशनल फियर ऑफ समथिंग, यानी बिना किसी कारण के किसी चीज से डर लगना एगोराफोबिया है। जैसे कि मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं और आपके सामने कोई ऐसा एनिमल आ जाए जो कि आपको नुकसान पहुंचा सकता है, तो आप डरेंगे। ये चीज बिल्कुल सही है, ये होना चाहिए। लेकिन अगर आप कहीं जा रहे हैं और वहां पर कोई ऐसी चीज दिखाई दे जो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती लेकिन फिर भी आप डर रहे हैं, तो ये चीज जो है फोबिया है। इर्रेशनल फियर ऑफ समथिंग इज नोन एज फोबिया। ऑप्शन 2 में बताई गई क्लॉस्ट्रोफोबिया टर्म का मतलब होता है क्लोज स्पेसेस में जाने से डर लगना। और एक्रोफोबिया शब्द का मतलब होता है हाइट से डर लगना, ऐसे पर्सन ऊंचाई वाली जगह पर नहीं जा पाते। इसके अलावा यदि आपसे पूछ लिया जाए फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स, तो आप इसे क्या कहेंगे, यानी अनजान लोगों से डर लगना। यस, इट इज कॉल्ड जीनोफोबिया। फियर ऑफ मैरिज, यस, गैमोफोबिया। फियर ऑफ वाटर, हाइड्रोफोबिया, जो कि रेबीज कंडीशन में देखने को मिलता है। फियर ऑफ डार्कनेस, एचुलोफोबिया। फियर ऑफ एनिमल्स, ज़ूफोबिया। फियर ऑफ इंसेक्ट्स, इंसेक्टोफोबिया। इस तरह के एग्जाम्पल्स एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। अगर आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। और रेगुलरली रात को 8 बजे इसी तरह की क्लासेस हम अपलोड करते हैं। इन क्लासेस के नोटिफिकेशन पाने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आप MCQs की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारे अदर सोशल मीडियाज़ को जरूर ज्वाइन करें, जैसे कि टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज आदि। इन सभी के लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जिन पर क्लिक करके आप वहाँ ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड बेस्ट ऑफ लक।